सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और कल के ब्लॉग पे आपके बहुत सारे कमेंट आए इस टॉपिक के ऊपर, अपने लैपटॉप या पीसी से मल्टीपल स्क्रीन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर टैबलेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने जो सेटिंग बताई है, स्क्रीन को साइड बाय साइड कैसे रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है तो क्या सेटिंग करनी है, राइट साइड पे रखना है तो क्या सेटिंग करनी है, तो वो जरूर देखना, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मॉनिटर को अपने लैपटॉप से एज ए सेकेंडरी स्क्रीन कैसे यूज करें, कैसे कनेक्ट करें। उसके बाद मैं बताऊंगा टैब को कैसे कनेक्ट करना है, जो कि हमारी थर्ड स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमारे लैपटॉप में यहाँ पर एक HDMI वाला पोर्ट होना चाहिए। ये देख सकते हो यहाँ पर ये HDMI वाला पोर्ट है मेरे लैपटॉप में। एक VGA करके होता है, वो वाला पोर्ट मेरे में नहीं है। अगर आपके लैपटॉप में VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट नहीं है, तो आपको क्या कौन सी केबल लेनी पड़ेगी? HDMI टू VGA केबल, ठीक है। मेरे लैपटॉप में HDMI वाला पोर्ट है, तो मैंने जो केबल ली हुई है ये HDMI टू HDMI केबल है, जो कि मैंने मॉनिटर को अभी पावर दी हुई है। देख सकते हो यहाँ पर इसका ये इसमें पावर है, लेकिन डिस्प्ले अभी इसकी ब्लैक है क्योंकि कोई सिग्नल इसमें अभी है नहीं है। तो मैंने इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है HDMI वाला, वो मॉनिटर के पीछे लगा दिया है, और ये वाला मैं लगा देता हूँ लैपटॉप के अंदर, ठीक है। बस ये केबल आपको यहाँ पे लगानी है सिंपली HDMI वाले पोर्ट में। अगर आपका VGA वाला होगा पोर्ट लैपटॉप के अंदर, तो VGA वाला केबल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस केबल को लैपटॉप के अंदर लगा दिया है, और अभी हमारे मॉनिटर में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे लैपटॉप में जो ये विंडो वाला बटन होता है, विंडो प्लस पी, इसको दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा सबसे ऊपर PC स्क्रीन ओनली। तो अभी PC स्क्रीन ओनली पे ये सिलेक्ट है, तो यानी कि सिर्फ हमारा लैपटॉप वाला स्क्रीन ही चलेगा। और जैसे ही हम इसे डुप्लीकेट पे करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो इसमें सिग्नल आ गए हैं, डुप्लीकेट विंडो हमारी चालू हो गई है यहाँ पर। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जो भी काम मैं इधर करूँगा, मान लो मैं कोई भी फाइल ओपन करता हूँ, तो वो सेम फाइल इधर ही ओपन होगी। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि इसमें कोई और फाइल खोल सकता हूँ, इसमें कोई और फाइल खोल सकता हूँ, तो डुप्लीकेट हो जाएगा ये। मतलब इधर जो काम होएगा इधर भी वही काम होएगा सेम। तो हमें क्या करना है, फिर से इसको ही दबाना है, और यहाँ पर जो तीसरे वाला ऑप्शन है एक्सटेंड का, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा, इसमें मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ यहाँ पर, और इसमें कुछ भी काम कर सकता हूँ। ये वाली फाइल उठा के मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ और फाइल खोल सकता हूँ। और यहाँ पर मैं ब्राउजर खोल के दिखाता हूँ आपको, ये ब्राउजर इसमें खुल गया, और इधर हमारा ये फाइल मैनेजर खुल गया। इस वाले फाइल को मैं इधर ले जा सकता हूँ, या इस वाले फाइल को मैं इधर, मतलब मैं अलग अलग फाइल दोनों स्क्रीन पर खोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मॉनिटर को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया है, और अब बात कर लेते हैं टैब को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, यानी कि तीसरी स्क्रीन को भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ। तो उसके लिए आपको अपने लैपटॉप में या पीसी में ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सर्च करना है स्पेस डेक्स स्पेस डेस्क, ठीक है, स्पेस डेक्स लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है, और जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। तो जैसे ही ये वाला पेज ओपन होगा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने मिलेंगे चार, ठीक है। इसमें विंडो 10, 11, 64 बिट वालों के लिए ये वाला डाउनलोड करना है, और विंडो 10, 11, 32 बिट वाले जो लैपटॉप और पीसी है, ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा 64 बिट वाला सपोर्ट करता है, तो मुझे ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी आप अपने सेटिंग में अबाउट सेक्शन में जाकर एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है, कौन से वाला आपको चलेगा। अगर वो चीज़ आपको नहीं देखने आती है, तो आप पहले ये वाला डाउनलोड कर लेना। ये वाला अगर इंस्टॉल हो जाता है, तो बड़े आराम से आपका काम कर जाएगा। अगर नहीं कुछ कोई भी एरर आता है, तो ये वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे विंडो 10 और 11 के लिए, जो 64 बिट वाला है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोड फाइल यहाँ पर हो गई है एकदम। तो मैं ओपन फाइल करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये एक पॉपअप खुलेगा यहाँ पे,
जिसको कि नेक्स्ट करते जाना है यहाँ पे, और इसमें आई एक्सेप्ट पे मार्क लगाना है ऐसे, इसको चेक करके फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, और फिर नेक्स्ट करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, और फिर इसको यहाँ पे यस कर देना है। तो ये इंस्टॉल होने लगा है, और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे, और इस जो हमारा ब्राउजर है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो करना है हमें अपने टैब के अंदर। अपने टैब में आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन करके इसमें सर्च करना है स्पेस डेक्स, ठीक है, यही वाला। और जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो ये इसका लोगो रहेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में, यहाँ पर हो गया है। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वाईफाई से मैंने इसमें कनेक्ट करके रखा है वही वाईफाई में आपका लैपटॉप भी पीसी भी कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सेम वाईफाई पे दोनों रहने चाहिए, मतलब तो सेम वाईफाई पे रखना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, मैंने ओपन कर दिया और ये कुछ मांग रहा है यहाँ पर, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा लैपटॉप है उसका यहाँ मॉडल नंबर शो कर रहा है विंडो 11, और ये कनेक्शन शो कर रहा है। तो देख सकते हो मैंने अपने लैपटॉप में कुछ नहीं किया है, सिर्फ इंस्टॉल करके उसको छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और जैसे ही मैं इस कनेक्शन पे यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये मैंने किया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। बस आपको इतना सा ही करना है और लैपटॉप हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी फाइल खोलते हैं, इसमें ला सकते हैं और उसको टच से भी कर सकते हैं। और इस फाइल को टैब के अंदर कैसे लेके आना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे, और ये मेरे मॉनिटर में आई फाइल, और जैसे ही मॉनिटर से मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे टैब में आ जाएगी, ठीक है। तो माउस से तो मैं यहाँ पर कर्सर से भी काम कर सकता हूँ और मैं टच से भी काम कर सकता हूँ, ये देख सकते हो टच से भी काम हो रहा है। और बाकी की जो सेटिंग होती है, जैसे मैं अपने इस टैब से फाइल में मॉनिटर में कैसे लेके जाता हूँ यहाँ पर, और मॉनिटर से लैपटॉप में कैसे लेके आता हूँ, मतलब ये मैंने डिस्प्ले की जो सेटिंग की हुई है वो सेटिंग अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि मॉनिटर में किधर करके जाएगा और किधर हम करेंगे तो टैब में आएगा, ठीक है। वो सेटिंग भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो प्लस पी दबाना है, और जैसे ही यहाँ पर ये पॉपअप खुलेगा तो सबसे नीचे देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है मोर डिस्प्ले सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो सेटिंग खुलेगी, डिस्प्ले की सेटिंग खुल जाएगी। तो इसमें ये तीन स्क्रीन दिखा रहा है, तो फर्स्ट वाली मेरा लैपटॉप स्क्रीन हो गई, सेकंड वाली मेरा मॉनिटर हो गया, और थर्ड जो छोटा वाला स्क्रीन दिखा रहा है वो हमारा टैब हो गया। तो इसी हिसाब से मैंने इनको सेट किया हुआ है, ताकि जब मैं माउस को ऐसे इधर ले जाऊं तो मेरे मॉनिटर में आ जाए कर्सर, और जब मैं और इधर ले जाऊं तो मेरे टैब में चला जाए। हो सकता है आपकी जो मॉनिटर है या फिर टैब है वो राइट साइड में रखी हुई है, तो इसको क्या कैसे करना है सेटिंग को, तो मान लो ये वाला टैब मेरा थर्ड पे रखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है सबसे लास्ट में, तो मैं अगर इसको यहाँ से प्रेस करके होल्ड करके और सबसे इधर लेके आता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अब क्या होगा, जब मैं माउस अपने लैपटॉप से इधर निकालूंगा तो मेरा जो फाइल या जो भी कर्सर है वो टैब में चला जाएगा। मतलब मैं अभी आपको टैब उठा के दिखाता हूँ, इधर रख देता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग भी इधर कर दी है स्क्रीन की, तो टैब को भी मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो जैसे भी सेटिंग हम यहाँ पर डिस्प्ले की करते हैं, तो रियल में भी आपको अपना टैब या फिर डिस्प्ले उसी पोजीशन में रखने हैं जैसी सेटिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, तभी आपको चलाने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर मान लो हमारी फर्स्ट लैपटॉप वाली स्क्रीन ये हो गई और टैब हमारा इधर रखा है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मैंने टैब रख दिया, तो क्या होगा, मुझे कोई भी फाइल इधर से उठा के अगर मुझे अपने टैब में ले जानी है तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा टैब राइट साइड में रखा है, तो मैं इसको राइट साइड में निकालूंगा और ये फाइल आराम से इसमें चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा टैब राइट साइड में रखा है, और मुझे पता है कि मेरा मॉनिटर जो है वो लेफ्ट साइड में रखा है लैपटॉप के लेफ्ट साइड में, तो मैं क्या करूंगा, इधर आया और यहाँ से ले गया मैं इधर लेफ्ट साइड में। तो ये डिस्प्ले की पूरी सेटिंग है, आप अपने हिसाब से इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो मैं इसकी सेटिंग जो करके रखता हूँ ये ऐसे करके रखता हूँ, सारी चीज़ें मैं एक तरफ रखता हूँ, और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दूंगा तभी सेटिंग सही रहेगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टैब उठा के अपना सबसे लास्ट में यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि मेरी फर्स्ट स्क्रीन,
सेकेंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन। तो ये वाली सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये फाइल इधर उधर ले जाने में आसानी रहेगी। अभी देखो मैंने टैब को इधर रख दिया, तो अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये टैब के अंदर आ गई। तो अभी वापस से मैं इसको लैपटॉप में लेके आता हूँ और अब मैं कोई भी फाइल इधर ले जाने की कोशिश करूंगा राइट हैंड साइड। तो इधर मैंने कोई भी स्क्रीन इसमें सेट नहीं करके रखी हुई है, तो देखना, तो इस फाइल को अगर मैं इधर ले जाने की कोशिश करूंगा किसी भी डिस्प्ले में ये फाइल नहीं शो करेगी। देखो यहाँ पे नहीं तो टैब में आ रही है ना मॉनिटर में आ रही है, तो इधर ये फाइल कहीं भी नहीं जाएगी। या मैं इस कर्सर को अपना इधर ले जाने की कोशिश करूंगा तो किसी भी डिस्प्ले में कर्सर माउस हमारा नजर नहीं आएगा। और जैसे ही मैं इधर जाता हूँ तो ये आ गया हमारा कर्सर यहाँ पे, और इस वाले में मैं और इधर आऊंगा तो ये कर्सर आ गया हमारे लैपटॉप में। तो ये सेटिंग भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है टैब को, यहाँ पर ये जो एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है इस पे क्लिक करना है और लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे डिस्कनेक्ट। जैसे ही डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा ये चला जाएगा यहाँ से, और इसको ओके करके और यहाँ से कट करके बाहर आ सकते हैं, हमारा टैब वैसे ही चालू हो जाएगा जैसे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।